सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। मेरे न्यू ब्लॉग में आपका तहरल से स्वागत है। और गाइज, जैसे कि दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी के बज रहे हैं 8, तो सबसे पहले मेरे तरफ से आपको पूरे फैमिली को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो गाइज, अभी तो मैं सबसे पहले ब्रश भी नहीं किया हूँ, डायरेक्ट उठ के ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। आपके साथ ही साथ मैं ब्रश भी कर लूँगा और भाई निकाल दिया। गाइज, तो अभी बाबू पैसा दे रहा है अपना चुक्का से, पवन पैसा निकाल के दे रहा है अब इडली खाने के लिए। ये देखिए इसका चुक्का, ये देखिए। अरे तो खिड़की खुला, अरे खिड़की बंद होगा। ये देखो गाइज, अपना चुक्का दे दिया। गाइज, तो मैं अभी जा रहा हूँ इडली लाने, मतलब एक पास ही में एक दुकान है, मतलब ठेला लगता है, देखते हैं अगर अभी लगा होगा तो। मैं बहुत दिन से नहीं गया हूँ वो ठेला में, मतलब COVID-19 के वजह से, मतलब कुछ टाइम पहले बंद था। अभी देखते हैं, मम्मी लेके आए थे सुबह, मम्मी एक तो बाड़ा लेके आए थे खरीद के, तो वही मम्मी बोली कि जाओ खुला होगा लेके आ जाओ। बाबू पवन तंग कर रहा है कि मेरे लिए भी ला दो, मेरे लिए भी ला दो, क्योंकि मम्मी वो जो होता है ना, मतलब बाड़ा को गुड़ के बनाया जाता है, वो बहुत अच्छा लगता है, मिर्ची वर्चा डाल के एकदम चटपट खा जाओ गाइस, क्या ही बताओ। तो वही अभी भाई के लिए जा रहे हैं इडली लाने। और धूप भी गाइस, मतलब क्या ही बताओ, अभी का धूप जो है ना, मतलब पूरा चेहरा है। और मास्क मिल नहीं रहा था, मैं पीछे पैकेट पर रखा था और अभी जस्ट मिला, मम्मी धो के गांड दी थी। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट इडली दुकान पर, आप लोग से मिलते हैं, चलो। डोसा ले लिया, अभी डायरेक्ट घर पे मिलते हैं आप लोग से। तो गाइज, मम्मी इधर अभी खाना खिला दे रही है। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक मेजर प्रॉब्लम बताना चाहता हूँ, जो कि हर एक के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। जैसे हम लोग फेस वॉश करने के बाद हमारे फेस पे व्हाइट व्हाइट हो जाता है, तो गाइस इसका एक ही सॉल्यूशन है, जो कि आप देख रहे हो, वाओ का रेटिनॉल फेस क्रीम। तो गाइस, साथ ही साथ आपके ये चेहरे को मॉइस्चराइज करता है और जो डेड स्किन सेल्स होता है वो उसको रीस्टोर करता है, काफी मदद करता है ये वाओ का रेटिनॉल फेस क्रीम। गाइज, तो देर किस बात की कर रहे हो, और मैं आपको अप्लाई भी करके बताऊंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी के अभी जाके परचेज करो रेटिनॉल फेस क्रीम, तो मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ, चलो। अभी जैसे देख सकते हो मेरे फेस पे कितना मॉइस्चराइज लग रहा है और मतलब स्मूथ हो गया है, सिर्फ और सिर्फ किसका कमाल है, वाओ का रेटिनॉल फेस क्रीम का। तो गाइस, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके परचेज करो। और गाइस, मैं पर्सनली आपको रिकमेंड भी करता हूँ, तो जाओ के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, परचेज करो। मेरी जिंदगी है तेरे बिना, ना हम जी सकेंगे पड़े भाई, तेरे जैसा सिंगर कोई मिलेगा ही नहीं। थैंक यू ब्रो, आई अप्रिशिएट दैट ब्रो। या ब्रो, तो गाइस अभी हम मतलब एक दोस्त के घर आए हैं करण, जैसे आप लोग पता है, मतलब कौन सा सैलून हम लोग मिले थे फर्स्ट टाइम, द ब्लैक एंड व्हाइट प्रोफेशनल। हां, द ब्लैक एंड व्हाइट गुरु। तब ना मेरे को भैया बोलता था, करण भैया। और अभी ऐसा हो गया गाइस, मतलब फ्रेंडली पूरा, भैया छोड़ के सब बोलता है, उतना स्कैम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, भैया छोड़ के सब, बात है कि ठीक है, इज्जत देता है लड़का, ऐसा बात नहीं, देता है इसका है कि गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, ऐसा वाला सिस्टम है। गाइस, तो मतलब अभी हम लोग इतना जोर से भूख लग रहा, कोल्ड ड्रिंक सब पिए थे बट उतना उसमें होगा नहीं, और अभी हम लोग मतलब 3 बज रहा और अभी हम लोग सोच रहे कि मतलब सिंगाड़ा समोसा कुछ भी होता है, क्या ही बताओ गाइस, सारे कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया गाइस इसका, क्योंकि फीवर है गाइस, मतलब इसका अंडा पिएगा तो फिर तो वैसे ही फीवर में लेट जाएगा, तो अभी हम
गाइस तो अभी हमें होटल मिल गया, मतलब ये पास ही में था ना। हाँ पास में था, 5 मिनट का रास्ता होगा। तो अभी हम लोग वही सिंगाड़ा ले रहे हैं, जलेबी उलेबी है, सिंगाड़ा है। और अभी सिंगाड़ा का गाइस मतलब दाम इतना बढ़ गया, 6 रुपया 7 रुपया हो गया, पहले 5 रुपया था, अभी का दाम बढ़ गया। आलू का दाम शायद बढ़ गया ना, आलू का दाम बढ़ गया क्या, तेल का दाम बढ़ गया बोल के सिंगाड़ा का भी अभी दाम हो गया 7 रुपया। तो गाइस अभी लेते हैं और एक ही बार मतलब वहीं जाके आप लोग से बात करते हैं, ठीक है। सिंगाड़ा जैसे प्लोथिन खुला, सब अपना अपना एक एक टू ले लिए। मतलब क्या ही बताओ गाइस, इतना भूख लगा था ना, खाली हम लोग कुरकुरे चिप्स में भले शांत थे 12-1 बजे तक, और अभी इतना भूख लगा कि हम लोग, यही सामने होटल था जैसे आप लोग बता दिए, अभी थोड़ा सा राहत मिला है। एक तो सिंगाड़ा में क्या होगा, पेट भरा नहीं, चलो दोबारा लेकर आते हैं। 7 रुपया सिंगाड़ा का दाम हो गया पता है, अपने परसोटी इन्वेस्ट है भाई, हम प्रेम में नहीं दिख रहा, अब दिख रहा, अपने परसोटी में लेता है 6 रुपये, बेस्ट देता है, ठंडा था समोसा, दोबारा आएंगे नहीं करण के पास समोसा खाने में, दोबारा नहीं आएंगे, दोबारा सिंगाड़ा खाना, इधर से सिंगाड़ा लेंगे। गाइस आजकल के बच्चे लोग का स्टैमिना देखिए, मतलब एक बार परसोड़ी गाड़ी चला के चले गए नहीं, उसके बाद 5 घंटा तक सोए। तो हम लोग डायरेक्ट खा पी के मतलब एकदम थोड़ा बैठ के, और मतलब डायरेक्ट अभी हम लोग आ गए हैं रील्स बनाने, मतलब ये आदित्यपुर में पड़ता है, उतना एग्जैक्ट पता नहीं है, तो अभी आदित्यपुर में रील्स बनाएंगे। जैसे आप व्यू देख सकते हो, पूरा पीछे तालाब है और सन बहुत अच्छा आ रहा, देखो गाइस। तो अभी रील्स वील्स बनाते हैं, उसके बाद जल्दी निकले ना करण, तो अभी जल्दी निकलना हो, क्योंकि अभी अभी तो अलग ही केस हो गया था यार गाइस, इसका फोन मतलब हम लोग आ रहे थे एकदम, और जैसे आपको पता उबड़ खाबड़ है इधर, और 2 दिन पहले ही ये वाला नया फोन देखिए, अभी तक स्टिकर भी नहीं हटाया पीछे का, 2 दिन पहले ही ये वाला नया पोको एक्स थ्री खरीदा और मतलब पैकेट से गिरा दिया, और कैसा देखिए ऐसा था मेरा, ये पैकेट था इधर से गिर गया, मतलब जैसे होता ना इधर से पलटे हो गया, क्या ही बताऊं गाइस, मजाक हद तक होता भाई, ये मजाक कौन सा मजाक भाई, ये मजाक कोई मजाक है भाई, सावन बता अब मिल गया, क्या ही बता, एक बार बल्ले बल्ले कर दे यार, बल्ले बल्ले कर दे बात। तो गाइस अभी चलो सबसे पहले मैं रील्स बना लेता हूँ, उसके बाद आप लोग से बात करता हूँ। 2000 years later तो हम लोग वीडियो बना लिए हैं और आपको इंस्टाग्राम पे दिख जाए, और बहुत पसीना भी हो गया, अभी निकल रहे हैं, और इसका भी ट्यूशन भी है, प्रतीक का ट्यूशन भी है, जल्दी जाना होगा, तब से बोल रहा है, और ये देखिए जा रहे हैं, मिलते हैं, गुड नाइट ब्रो, गुड नाइट स्वीट ड्रीम। हेलो गाइस, हेलो गाइस, चाहते हैं मेरा बेटा तो चप्पल से साड़ी से जूता सबसे दिया, गाड़ी में घुमाया, रे तो कब देगा पता नहीं। हाँ ये बात तो तुम सही बोले, खिलाया पिलाया घुमाया, गाड़ी से चप्पल जूता सब ले दिए मेरा लिए, और स्टैंडर होटल में भी खिलाए, कहीं खिलाता है पता नहीं। हम तो खैर खिला नहीं सकेंगे, कोई बात नहीं है, लड़का खिला दिया ना, हमने खिलाया तो क्या हुआ, लड़का खिला दिया ना, आपको खिलाना चाहिए। अरे तो यार करके खिलाते, अरे मेहनत करके खिलाते हैं, तो मेहनत करके तो जितना हो रहा होता तो हम तो करिए दे रहे हैं, और ये गाइस कहने मतलब इसका भी कहना सही है, कोई बात नहीं है, मगर मैं चले गए जितना शक्ति उतना भक्ति है ना, बच्चा का कितना खुशी लगा। अरे तो यार वो तो खैर बात सही है, बच्चा कहने मतलब वो खिलाया बहुत खुशी की बात है, और अभी तो खिलाने था बैठ के, अभी तो खाए, अभी शर्ट पैंट पहने, अरे हाँ हम भी तो बोल रहे हैं, मगर मैं चले गए वही बात है, ठीक है लड़का खिलाया बहुत खुशी की बात है, हम नहीं खिला सके, पापा भी खिला देगा जब करेगा पापा, हाँ समय आएगा तो हम खिला देंगे, मगर अभी मेरा समय नहीं है इसलिए नहीं खिला पा रहा है, ठीक है, नहीं आया, सब सुख दिया मेरा बच्चा तुमसे, आपसे अच्छा सुख दिया मेरा, तब यही तो बच्चे का तो सुख चाहिए, अब मेरा सुख हटाओ। तो गाइस कहे मतलब है कि मत पूछे गाइस, एकदम ही कहे मतलब है कि दुख भी है गाइस, कह लिए दुख है ना, क्योंकि गाइस इसलिए दुखी है ना, गाइस कभी कभी डाउन हो जाता है व्यू, कभी कभी नीचे हो जाता है तो दुखी हो जाता है गाइस, मगर क्या कर लेंगे, दुखी तो है ये है, मगर कोई बात नहीं गाइस, फिर भी लगे हैं एकदम, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, अरे कभी ना कभी तो
होगा ही गाइज, इंतजार करते हैं सबको, इंतजार करता है इसी बात है कि सबको पूरा फैमिली हम लोग इंतजार करते कभी हैं। ने कभी गमले में फल खिलेंगे, हाँ गमले में फूल खिलेंगे, ठीक है फूल जब फूल लगाए तो कभी न कभी खिलेंगे, और नहीं खिलना तो जरूरी है, पानी उनी सब दिए रहे सब कुछ करिए रहे है ना, कीचड़े में तो कमल खिलता है। हाँ कीचड़े में, हाँ ये बात भी सही बात बोला है, कीचड़े में कमल खिलता है, खिलता है। और तुम बाबू क्या क्या हाल है तेरा? हाल सब बढ़िया है, हाल बताइए। मेरा हाल तो चलिए रहा, जैसे चलता है वैसे चलिए रहा। तो गाइज देखिए यही बोलना चाहते है ना गाइज, अब की कहाँ घूम रहे अकेले अकेले? अरे यार अकेले गाइज यही बोलना चाहते है ना गाइज, ये मेरा फैमिली सभी कोई सपोर्ट करता है, सबको एकदम हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं गाइज, अच्छा लगता है। और आप लोग जिस तरह से प्यार देते हैं सभी को अच्छा लगता है, प्यार करते प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते हैं, अच्छा लगता है गाइज। और अभी तो मेरा चलिए रहा है काम, हुई ठेकेदारी में कोई दिक्कत नहीं है, जब तक कर सकेंगे तब तक करेंगे। और तो गाइज बस यही बोलूंगा आप लोग का इतना प्यार सपोर्ट है, थैंक यू सो मच, आई होप गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं, सो थैंक्स फॉर वाचिंग इतना दूर देखने के लिए, सो आई होप गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। नहीं 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 रुको 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 रुको, अरे यार नेक्स्ट वीडियो तो मिलनी ही है, मगर हां गाइस ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगना ही है, और कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और क्या बोले हैं गाइज बस इसी तरह प्यार देते रहिए गाइज, हम विश्वास करते हैं आप लोग पर सभी को कि हम लोग को निराश नहीं कीजिएगा, तब तक मिलते हैं गाइज, बाय।